इससे पहले हम बताए थे सामना बनाना और पैकेट और ताबीजी और कॉलर लगाना, यानी सामना पल्ला पूरा कंप्लीट दिखाया था। आज मैं साइड का कर लिए और आस्तीन लगा के पूरा ताबीजी और कॉलर लगाना दिखाया था। अब ये साइड का कली मारेंगे, ये साइड का कली है। अब यहाँ से हम इसको एक दाब का मार देंगे, सिलाई मारेंगे। ये पैकेट मैं पहले से कटिंग कर रखा हूँ। अब इसको अब ये साइड का गली को इस तरह खोल लेंगे। खोलने के बाद पैकेट को बैठा के स्टिचिंग कर लेंगे। ये चटका है, बिल्कुल ज्वाइंट के पास रहेगी। पैकेट को खोल लेंगे। अब यहाँ से फोल्ड करके पैकेट अंदर हाथ डालने के लिए इतना जगह हो गई है। अभी इस साइड का कपड़ा हम कट कर लेंगे, जितना गली है उतना ही कपड़ा रखेंगे, बाकी पैकेट के ऊपर का जितना भी कपड़ा है कट कर लेंगे। अब इसको एक तरफ साइड में रख लेते हैं। अब आस्तीन में सिलाई मारते हैं। अब इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे। आस्तीन में ज्वाइन करेंगे। आस्तीन का पल्ला इस तरह बैठा लेंगे। ये जो है मियानी आस्तीन के इस साइड में रहेगी। अब इसको पलटी मार लेंगे, इसको सीधा कर लेंगे। अब आस्तीन का सिलाई मारेंगे और साइड में से कली का भी सिलाई मार लेंगे। यहाँ से हल्का यहाँ पे सिलाई मारेंगे, फिर इसको हल्का घुमा लेंगे। अब एक साइड का कली और आस्तीन तैयार हो गई है। देखिए एक साइड का कली आस्तीन तैयार हो गई है। इसी तरह से आपको दूसरा पल्ला भी बना लेना है। अभी हम इसको क्या करेंगे, इसमें ज्वाइन करेंगे। दूसरा पल्ला मैं पहले से बना रखा हूँ, अब इसको हम ज्वाइन करेंगे। ये दोनों बीच का चटका मार लेंगे। ये चटका मिला लेंगे।
ये जितना बढ़ रहा है इसको बढ़ने देंगे, बाद में हम इसको कट कर लेंगे। फालतू का कपड़ा भर रही है, हम इसको कट कर लेंगे। इसी तरह से दूसरा कली को भी ज्वाइन कर लेना है। अब ये जो मार्क है, मार्क के हिसाब से इसका दामन मोड़ते हुए जाएंगे। सवा इंच 14 मारेंगे। जुब्बा कंप्लीट हो गई है। अब इसको हम क्या करेंगे, पल्टी मार लेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, ओवरलॉक मार के यहाँ पे एक किनारी का सिलाई मार सकते हैं या एक दाब का सिलाई मार सकते हैं। मैं तो ज़्यादा किनारी का सिलाई मारता हूँ, तो मैं इसको ऐसे यहाँ पे एक किनारी का सिलाई मार देंगे। आस्तीन जितना तक है उतना ही तक सिलाई रहेगा, पूरा में नहीं रहेगी सिलाई। बस ये हमारा जुब्बा कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, उसका बेल का घंटी जरूर बजाइए। उससे क्या है, जितना भी वीडियो का नोटिफिकेशन है आपके पास पहुँच जाएगी। बेल घंटी नहीं बजेगा, कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास नहीं जाएगी।